शुभ जोहार दोस्तों, मैं अभिषेक धुरिया आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल कवितुर जन में। अगर आप तक कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हमारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपवास की, क्योंकि उपवास आज हर जगह कहीं ना कहीं आज हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन 7ों दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बार क्लब से आदमी को उपवास की सलाह जरूर दी जाती है। कुछ भी परेशानी हो उनको, आप बोले इतने दिन का उपवास रखे। जैसे सोमवार जैसे कोई लड़के को बोलते हैं आप 16 सोमवार उपवास रखे, आपको अच्छा वर मिलेगा। मंगलवार आदमी को उसको हनुमान जी के लिए बोलते हैं। गुरुवार आप लक्ष्मी जी का धन के लिए आप कर सकते हैं, अगर कुछ परेशानी है तो आप उसके लिए कर सकते हैं बोलते हैं। शुक्रवार को भी वैसी रहता है। शनिवार को बोलते, जिसको शनि का कुछ प्रकोप रहता है उनको ये बोला जाता है कि आप शनिवार को सही देव में तेल चढ़ाएं, उस दिन उपवास रहें। इस तरह कहीं कहीं उपवास को एक आदमी को एक तरह से बोला जाए तो फोर्स भी किया जाता है कि आप ऐसा करें तब आपको ऐसा मिलेगा। जैसे कि इसके लिए हर तरह से जैसे मूवी भी बन चुकी हैं, जिसमें दिखाया भी जाता है कि भगवान नास्तिकते यहाँ कितना है, भगवान नहीं है, ये सब एक दिखावा है। जैसे कि पिक्चर पीके में दिखाया गया है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलते हैं कि आप वहाँ जाके ऐसा करिए, उपवास रहिए। तो उसमें साफ दिखाया गया है कि भाई अगर भगवान को वो चीज़ देना ही है तो ये ढकोसला क्यों, अगर उसको देना है तो सीधा दीजिए। आप अपने भक्त को भूखा क्यों रख रहे हैं या उसको आप यहाँ से वहाँ क्यों भेज रहे हैं। तो ये आप जो आज उपवास का चर्चा है इसको हम अच्छे से, और इस आर्य जे अधर्मी लिंगो जी जो हमें उपवास के बारे में थोड़ा अच्छे से रूप हमें थोड़ा जानकारी देंगे। आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश, जय भीम। देखिए साथियों, इसमें बढ़िया से रहा कि उपवास व्रत रहना चाहिए कि नहीं, और उपवास क्या है। दरअसल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये उपवास रहना इस प्रकार से जो बात है, आज कहते हैं कि शनिवार शनि के प्रकोप तो रविवार इसका तो वैसा तदन फन, ये कंसेप्ट गलत कंसेप्ट है। मैं और जो हमारे लोग जो रखते थे, जो हमारे लोग जो भूखे रहते थे, उपवास कहे जाए उसको, उपवास अभ्रंश शब्द दे दिया गया है। वो ऐसा नहीं था। जब कोई साधना सिद्धि में जब करते थे कोई लोग शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए या फिर शरीर के इंद्रियों को स्थिर मतलब आराम देने के लिए, कोई भी मशीन है आप उसको रोज रोज यूज करोगे तो वो उसको आराम चाहिए कि नहीं, उसको भी आराम चाहिए। हाँ। हाँ। तो जो शरीर की जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में अगर कोई खराबी हो गया है, जैसे किसी को दस्त हो रहा है या किसी को अपच हो गया है, अब अपच हो गया तो उसको रोज खाने में खाएगा तो क्या होगा, उसको मर जाएगा भाई। तो अपच हो गया है अभी। हाँ। किसी प्रकार से कुछ पेट में कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, या फिर उसकी कोई शरीर में प्रॉब्लम है, तो उसको हम जैसे मैं रोग निदान का जो केंद्र चलाता हूँ, धनितर रोग निदान केंद्र, तो उसमें मैं लोगों को एक सलाह देता हूँ कि जो पेट में विकार होता है, पेट में एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, पेट में कोई बीमारी है, शरीर में कुछ और आलस्य वजह है, आलस्यपन है और कुछ प्रकार से और बीमारी है, तो उससे आपको निजात पाना है तो उसके शरीर के अनुसार से हम उसको खाली पेट रहने की सलाह देते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं खाली पेट, वो तो कुछ बीमारी है पेट में, जो भी परेशानी की वजह से देते हैं ना। और रही बात इसमें अब लोगों की आस्था को जोड़ करके देख दिया, ये आस्था लोगों को आस्था को जोड़ करके देखा गया, और इसमें हमारा ये भी कॉन्सेप्ट रहता है कि आस्था को जोड़ करके देखा है तो वर मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा हमारा तर्क नहीं था, हमारा अवधारणा नहीं है। हमारा आदिवासियों का अवधारणा ये था, उनकी जो वो मानसिकता को चेंज करने के लिए और उनकी जो ध्यान को मतलब दूसरे तरफ मोड़ने के लिए इस प्रकार से बोला जाता है कि आप खाली पेट रहो और इसके नाम से रहो खाली पेट। जैसे अब किसी को अब हम मान ले पूजवन भी करते हैं। हाँ। तो पूजवन करते थे इसके नाम से देंगे, बड़ा फड़ापिन के नाम से, ठाकुर देव के नाम से और किसी के नाम से देते हैं, तो उसको देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा धारणा को वहाँ बैठाला जाता है, यानी केंद्रित किया जाता है और इस प्रकार से उपवास रहा जाता है। अब उसको बदनाम करने के लिए लोगों ने अब कई प्रकार से उपवास को एक प्रचलन मिला दिया गया, व्यवहार मिला दिया गया कि उपवास रहोगे तो तुम्हें पति मिलेगा, उपवास रहोगे तो तुम्हें धन मिलेगा, उपवास रहोगे तो संतान मिलेगी, और उपवास रहोगे संपत्ति धन धान से पूर्ण हो जाओगे। इस प्रकार से जो व्यवहार में लाया गया है ये गलत चीज़ है।
क्योंकि अगर भूखे रहने से लोगों को, अगर उपवास रहने के लिए लोगों को अगर संपत्ति मिलता, संतान मिलता, धन मिलता, सब मिलता, तो हम तो जब सिद्धि करते हैं, सब करते हैं, तो हम तो कई दिन से भूखे रहते, बिना अन्न त्यागे। कई साधु संत भूखे रहते हैं बिना अन्न जल त्यागे सब, तो वो बैठे बैठे धन संपत्ति करोड़ों नहीं कमा सकता था क्या? बैठे बैठे उनके लिए पत्नी नहीं मिल सकता था क्या? बैठे बैठे उनको सब कुछ नहीं मिल सकता था क्या? तो ये सब चीज नहीं होता। अब लोगों की आस्था है, और आस्था में लोग मानते हैं, तो आस्था एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति को लग जाता है, तो वह उम्र भर और पीढ़ी दर पीढ़ी वह आस्था नहीं टूटता। क्योंकि बताऊं, मैं एक प्रकार से बीमारी ही बोलता आस्था को। आस्था एक ऐसा बीमारी है जो जैसे कहते, नहीं मेरे सियान इसका पूजा करते थे तो मैं भी इसका पूजा करूंगा, नहीं करूंगा तो मेरे सियान की आत्मा मतलब होगा। यानी एक आस्था पूरे वंश में ही मतलब वो बीमारी लग जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो मतलब चलते ही आ रहा है। उस बीमारी को चेंजिंग करने के लिए बहुत मतलब मेहनत करना पड़ेगा, तब वह बीमारी दूर होगा। और आस्था ऐसा बीमारी है जो बहुत मुश्किल से जाता है। अब इस बीमारी को दूर करना है, और आस्था के आड़ में लोगों ने हमको लूटना शुरू कर दिया, आस्था के आड़ में हमको लोगों ने बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, इस दिन से आस्था बदनाम हो गया। अन्यथा तो आस्था ऐसा पवित्र चीज है जो आत्मा से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, लोगों की भावना से जुड़ा रहता है, भाव से जुड़ा रहता है। और जो चतुर लोग थे, जो बाहर से आए आर्य लोग, उन्होंने हमारे भावना से हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया गया, इसी दिन से यह जो सब चीज है बदनाम होता गया। क्योंकि देखो हमारा जो देश अधिकतर जो है मीडियम वर्ग आज मेहनत के खाता पीता है। अगर आप उसको अगर कोई आज के डेट में जैसे आप आस्था जो अंधविश्वास से अंधविश्वास का रूप दे दिया है कि ऐसा, हाँ, अब वो जो व्यक्ति अब जो कमा खा रहा है, अगर वो हफ्ते में अगर वो उपवास करता है एक दो दिन हो जाता है एक मनोकामना के लिए, तो उसका तो उस दिन वो वर्क सीधे अपना काम कर नहीं पाएगा, ना काम करेगा ना खाने को मिलेगा, सीधी बात है। क्या होता है क्या होता है लोगों को कुछ परेशानी होती है, तो परेशानी होती है तो लोग तर्क से नहीं देते, तर्कशील से नहीं देखते। लोगों को ये रहता है, दौड़ रहता है कि मेरे परेशानी कब दूर, जल्दी दूर हो, कब दूर हो और जल्दी दूर हो, और जल्दी दूर हो, दूर करने के चक्कर में, परेशानी को जल्दी खत्म करने के चक्कर में लोग आस्था की शरण ले लेते हैं, किसी ढोंगी की शरण ले लेते हैं और अंधविश्वास की शरण ले लेते हैं, और उसी अंधविश्वास के चक्कर में लोग पीछते जाते हैं। क्योंकि वहाँ जाओगे, ढोंगी के पास जाओगे, तो आपकी धारणा को बदल दिया जाता है, आपको माइंड को दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है, और आपके माइंड को और आपकी अवधारणा को बदल दिया, और आपका अवधारणा बदल गया कि मेरे को फलाने ने जादू टोना से बिगाड़ा है कह के, या फिर मेरे को ऐसा ऐसा शनि लगा है कह के, आपके मन में मानसिकता में ये घर कर गया, मानसिकता बैठ गया, अवधारणा बैठ गया। तो आप कुछ भी करो, जब तक आपके जो धारणा परिवर्तित नहीं होगा, धारणा नहीं बदलेगा, तब तक आप ठीक नहीं। तो ये सब चीज है, तो इन सब चीज को हमको जानना है साथियों, इन सब चीज को हमको मतलब पहचानना है। और ये सब व्रत उपवास कुछ नहीं होता, और व्रत उपवास रहने से ये सब कुछ नहीं मिलता। ढोंगियों और अंधविश्वासियों को चक्कर से दूर रहिए आप, और अपना आत्मबल को मजबूत बनाइए, किसी की ढोंगी के चक्कर में अपने अवधारणा को मत बदलिए, अपना माइंड को मत बदलिए। मेरा ये आप लोगों से अपना आया है, आप लोगों से जैसे आपने बताया के लिए आप एक अपना हिसाब से आप खुद रख सकते हैं कि मेरे को खुद रह नहीं सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या खाते हो, चावल, तो आपको बुखार है तो चावल ना खा करके रोटी खाइए, मतलब केस बोलता है। क्योंकि आपकी जो फूड में मतलब भोजन नहीं, आपकी जो भोजन श्रृंखला में वो परिवर्तन करेगा तो आपका शरीर भी परिवर्तित। इस प्रकार से मतलब चेंज करके जीना, मतलब रोज रोज तो खा रहे हो आप, तो आपका शरीर रोज रोज खाने से मतलब इस प्रकार से हो गया तो एक दिन भूखा रह जाओ। यानी शरीर की जो रूटीन को चेंज करके आप जियोगे तो आपका शरीर आराम मिले, ताकि अपना वर्क कंटिन्यू चला सके, क्योंकि पाचन तंत्र। लेकिन इस तरह जो बोला जाता है कि आप इसके लिए धन के लिए आपको ये शनि प्रकोप है तो आपको वो सब इसके लिए फालतू चीज है, बेकार की चीज है। धन्यवाद रिंकू जी। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर कोई अगर ये सलाह देता है तो बिल्कुल आप इस चीज को अवॉइड करिए, क्योंकि भाई आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको उपासना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना जो कंटिन्यू अपना जो है आप चला सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ शरीर में परेशानी लगती है तो आप खुद समझदार हैं कि भाई मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये ठीक होगा, आप तो खुद उतना जानते ही हैं। इसलिए ये फालतू जो आप बोलते हैं कि अच्छा वर मिले या शनि का प्रकोप है तो मैं ये करूँ, ये
फालतू जो उपवास होते हैं इनके चक्कर अब ना पड़े, आपका जीवन है, आप अच्छे से रहिए, मेहनत करिए, सब कुछ करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको इसके लिए कुछ उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बिल्कुल इसका जवाब जो है सबको जरूर प्रदान करेंगे। जय सेवा, जय जोहार दोस्तों।